करीम से अपनी कबर च लेटे ने पर ना मशरिक जगह आ रहा है ना मगरिब च आ रहा ना शमाल च आ रहा ना जनूब च जगह आ रहा नौजवानों एक कमली वाले दे वजूद पीछे पूरी कायनात अदाब नहीं आ रहा पता लग गया तेरे मेरे लाड रब प्या वेखद नौजवानों आसान करके अर्ज करा एक लाड़े पीछे सारी जंग दे नखरे वेखी देने एक लाड़े पीछे सारी बरात दे नखरे वेखी देने बलोचक वाले मेरी गल समझी आज एक लाड़े पीछे सारी जंग दे नखरे वेखी देने अल्लाह भी तेरे मेरे नखरे एक माही पीछे वेखी जा रहे आओ ना मशरिक जगा बारे ना मगरिब जगा बारे ना शमा से जनूब जगा बारे मैनु सची दस आज ओ जड़े नबी दे सहाबा दियां बेअदबियां कर देने ओ जलिया एक यार दे वजूद पीछे पूरी कायनात च अजाब नहीं आंदे ओ उमर दे अबू बकर जड़े मुहम्मद नाल लेते ने ओना ते किवें अजाब आ सकदे رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافعی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود و محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر علی شاہ بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اج دا اے پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عظیم و شان محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعنوان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ساڑے اس گاؤں ساڑے علاقہ بلوچک دے اندر انعقاد پذیر ہے میں اج دی اس محفل مبارکہ دے انعقاد ہوتے مبارک باد اور ہدیہ تبریک پیش کرنا جناب عزیزم زاہد عثمان بٹ صاحب اور انہاں دے والد گرامی جناب محمد بوٹا صاحب انہاں دے تمام برادران محمد عدنان شاہد عثمان ابو سفیان اور ماڈرن ساؤنڈ سسٹم دی تمام انتظامیہ حامد صاحب بھائی عثمان قادری اتاری صاحب اور خصوصاً جناب محترم المقام
परवेज इकबाल चीमा साहेब मॉडर्न साउंड के मुंतजम आला इन तमाम अहबाब ने हर साल की तरह बड़े तुझको एहतिशाम नाल इस महफिल मुबारक का एहतमाम फरमाया। दुआ गोहा के रब ताला उन हरातों का सदका जिहड़ियां हुजूर ने गारे सौर ते गारे खिराज गुजारियां अल्लाह मेरी और आप अहबाब की अज की रात उन रातों के सदके च कबूल फरमाए। मैं चूंकि इस महफल का बिल्कुल मेहमान नहीं हाँ ना कोई खतीब हाँ भाई मैं तो मेजबान हाँ और मैं दरअसल उन तमाम अहबाब का मुंतजमीन महफिल का और मेहमाना ने गिरामी का और पूरे बलो चक वाले का शुक्रिया अदा करने वास्ते हाजिर हाँ। तुसी सारे भी अज मेजबान हो जिहड़े बलो चक वाले हो सहू वाले वाले हो रायपुर वाले हो कुरबो जवार के जितने गाँव तो तुसी तशरीफ लिया हो असल साढ़े मेहमान तो भाई वो ने ना जिहड़े दूर दराज इलाक तो सफ़र करके वट्सएप की साड़ी दावत उत्ते इस महफिले मुबारका में तशरीफ लेके आए ने। मैं एक एक का नाम लवा बड़ी लंबी फहरिस्त मगर जिहड़े खास मेरे मेहमान हैं मेरे इंतहाई मौजूद मोहतरम जनाबे अली अब्बास भट्टी साहेब और मुबशर अली भट्टी साहेब लाहौर चंद्राए पाकिस्तान की सब तो बड़ी माफले मिलाद करवाने वाले और मेरे इंतहाई मौजूद मोहतरम तशरीफ लेके आए और इन्होंने नाल जिहड़े मेहमानां ने गिरामी तशरीफ ले आए मैं इन्हां दा बहुत शुक्रगुजार हाँ। और मेरे इंतहाई मुअज्ज़ज़ मेरे मोहतरम मेरे पीर भाई मुल्तान मदीनतुल औलिया तो भाई मुहम्मद ईशान चुराही नक्शबंदी साहेब मुहम्मद रियान नक्शबंदी ये तशरीफ लेके आए मैं आपका शुक्रगुजार हाँ। मेरे इंतहाई मौजूद मोहतरम बरादरी मुकर्रम जनाबे मलिक मुहम्मद काशिफ साहेब आवान अपनी पूरी टीम के नाल तशरीफ लैके मैं उन्होंने शुक्रगुजार हाँ। फाजले मोहतशम ज़ीनतुल उलमा खतीबे पाकिस्तान हजरत अलामा मौलाना मुहम्मद सुफियान आसी साहेब शेखपुरा तो अपना बहुत बड़ा काफिला लैके तशरीफ लेके आए मैं इन्हां का भी शुक्रगुजार हाँ। जनाबे भाई मुहम्मद अदनान साहेब भलवाल सरगोता तो माशाला तशरीफ लेके आए इन्हां का भी मैं शुक्रगुजार हाँ। और दीगर मैं किधर किधर नाम लवा अलामा मुहम्मद आसे अलामा अली रजा सी साहब जनाबे मुबशर शाह जी ने बड़ी मेहनत फरमाई इस महफिले मुबारक वास्ते हूँ मैं अपने दाएं बाएं वेखे तमाम नौजवान आसी बरादरान जनाबे हसन चीमा साहेब बलो चक तू बड़ी मेहनत और मैं पिछे वेखा थे सारे आसी बरादरान ने दीगर अगर किसी का नाम रह जाए तो मैं बड़ा माजरत खाव हाँ बई पर मैं तुहाड़े और जनाबे साडे नकीबे महफिल जनाब हामिद अली आवान साहेब जनाबे मुहतरमुल मुकाम साडे इत्थे दरबारी नकीब ने दरबारी सनाखान ने अफजल कादरी साहेब और जनाबे साडे आबिद हुसैन जलाली साहेब ये साडे दरबारी ने भाई हर जुमा हर महफल तशरीफ फरमा आउंदे ने ये सारे वट्सएप दे नाल प्यार करदे ने और वट्सएप पूरा साल जिहड़ियां मुहब्बतां और मैं पूरा साल पूरे पाकिस्तान च असीं तकसीम करने आ वो मुहब्बत वसूल करने अज वही मुहब्बत सानू देने वास्ते साडे घर में तशरीफ लेके आए ने। मैं तमाम मेहमाना ने गिरामी का शुक्रगुजार हाँ। तुसी जितने अहबाब तशरीफ लिया हो काफिला दर काफिला पूरे सियालकोट वाले मैं दुआगो हाँ कि अल्लाह करीम सानू सारे नू हर कदम और हर सांस के बदले नेकियां दे ज़खीरे अता फरमाए। रात तकरीबन 3 बज गए तुसी अजे तक इंज बैठे हो कि जिवें महफल हुण शुरू होई मडेर वाले होवन सौ वाले आ वाले होवन या इधर बलो चक वाले और दीगर थोड़े इर्द गिर्द पूरे इलाके वाले कमालपुर मानपुर और दीगर साहब के बदो के चीमा भी जी बदो के चीमा भी कह लें जी उन्होंने भी ना लै लीए अल्लाह ताला सारे ने उन्हें कबूल फरमाए। रात 3 बज गए दुनियादारों के सौन का अल्लाह वाले के जागन का वेला हो गया। गिरामी कदर हजरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जिवें अज बेड़ा सजे है ना नबी पाक दे बेड़े दा सदका इस बेड़े ते बनेरे ते डेरे नूं बल्कि पूरी बस्ती नूं अल्लाह इंज हमेशा शाते आबाद रखे। गिरामी कदर हजरात कल जुमातुल मुबारक दे खुतबे च तुसी सारे नौजवान तशरीफ लियाए तो मैं खुतबे दे दौरान ये आख्या सी कि कल जिथे असां जुमातुल मुबारक दा खुतबा छोड़िया अज उत्थों ही तकरीर शुरू कर लवांगे तो कल जिहड़ा मौजू असां जुमातुल मुबारक दे खुतबे च बयान कीता अज उन्हों ही असी शुरू कर रहे हैं। मुहम्मद असद समुद्री तो तशरीफ लैके आए मैं देखा हूँ बेटा और उन्होंने सारी टीम अल्लाह ताला सारे का उन्हें कबूल फरमाए। गिरामी कदर हजरात कल साडा उनवान सी वजूदे मुस्तफा की बरकत इतने सुभान अल्लाह कहनी सी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे और नबूवत दे वजूद नू अल्लाह करीम ने कैसी बरकत अता कीतियां ने
और हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद अतहर इस जमीन वाले वास्ते और पूरी कायनात वाले वास्ते किस तरह बाबरकत है, इस मौजू ने कल मैं खुतबा जुमतुल मुबारक के अंदर बयान किया। आज उसे ही उनवान की मैं अगली कड़ी अर्ज कर रहा हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर रब तआला ने इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम व अंत फीहिम। 1,26,000 का मुबेश अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने इस वास्ते मबूस फरमाए कि जाओ मेरी मखलूक नो मेरी पहचान करा के आओ। अंबिया आए थे आके इरशाद फरमाया, वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इला एक अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन। फरमाया कि तुहाडा ते साडा ते साडे अगलियां दा सारे दा रब ओही अल्लाह है। अंबिया लोगों ने अल्लाह की पहचान कराते रहे मगर नबियों के सामने फिराउन ते नमरूद वर्गे खुदाई के दावे करते रहे। उन्हें आख्या अना रब्बुकुमुल आलम, मैं वड्डा रब हां। अंबिया लोगों ने दस रहे कि रब वर्गा कोई नहीं ते बंदे उठ के आप ही कह रहे मैं वड्डा रब हां। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंबिया आते रहे मगर जो आई ना आखिरी नबी की वारी, ताजदारे खत्मे नबूवत की वारी, ऐसी अल्लाह करीम की पहचान मेरे नबी ने लोगों को करवा दी कि हुण कोई नबूवत का दावा कर भी लवे खुदाई का दावा नहीं करता। क्यों? कमली वाले ने रब की पहचान इंज की करा दी है, जे खुदाई का दावा कोई कर ही लवे तो उन्होंने आप ही शर्म आ जाती है। और यार झूठी नबूवत के दावे करने वाले बड़े बड़े मिर्जा कादियानी वर्गे लानती आए मगर खुदाई का दावा कोई नहीं करता। क्यों? मुस्तफा ने ऐसी खुदा की पहचान कराई कि खुदा बनन का दावा कर लगे कोई नमरूद कोई फिरौन होवे उन्हों आप ही शर्म आ जाती। ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने पहचान कराई। गिरामी कदर हजरात, कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ लेके आए ना, ते अबू जाल एक दिन मेरे नबी नो मक्के की गली च मिले आप, ते कहन लगा तू तो मुहम्मद नबी है? फरमाया मैं नबी हाँ। कहन लगा सच्चा? फरमाया सच्चा। कहन लगा कि ए मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू तो अल्लाह का सच्चा भी नबी है ना तो मैं तेन नबी नहीं मानता, अगर तू तो अल्लाह का इतना लड़ लें तो अज अपने रब न गल कर, अपने रब न कह के तेरे मेरे ते पत्थर की बारिश कर दे, अपने रब न कह के मेरे ते अजाब नाजल कर दे, मैं तेन नहीं नबी मानता, अज मेरे नाल मुकाबला कर, अज मेरे ते पत्थर की बारिश करवा, अज अपने रब न कह कि अज मेरे ते अजाब नाजल कर दे। सह वाला बल्लो चख वालो कुर्बो जबार तो पूरे पाकिस्तान की तर्जमानी करने वास्ते तशरीफ लेके आने वालो, कौन है दिवाली ने आसमान वल वेखिया, सैयद आलम ने अर्ज की या अल्लाह ये कहता है कि जो तू तो सच्चा नबी है तो मेरे ते पत्थर की बारिश करवा, जे सच्चा नबी है तो अज मेरे उत्ते अजाबे अलीम नाजल करवा दे। अर्ज की या अल्लाह ये कहता पत्थर की बारिश कर, कर देना। हुण उत्तों जवाब की आया, पढ़ा कुरान भाई। मेरी आज सारी तकरीर दा उनवान है, मैं तकरीर बिल्कुल नहीं करन आया, मैं दो चार मोहब्बत जुमले बस अर्ज करने ने जेड़ा कल मैं वादा कीता अपना ते नाल दे दा हाथ चुके इनी उची सुभान अल्लाह फरमाओ के मदीने आवाज जावे ना भाई। तुसा जोर नहीं लगाया, अज देख लो मैं पूरे पाकिस्तान दे एक शहर दा नाम लिया जिथों लोग आए ने, इन्हें सारे कहना असि सब साडे शहर च आउंदे हो इनी सुभान अल्लाह करवा जांदे हो ते अपने घर वाले तुहाडे कोल बोलदे ही नहीं। मैंने पता रात 3 बजे बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा रहिंदा नहीं, पर मेरी वारी रोज 3 बजे आती है भाई, तो मैं चूंकि आखिरी खतीब उन्हें रोजाना, तो मैंने पता है कि रात 3 बजे किवें दी और केड़ी तकरीर करनी है। मेरे को तो तकरीर भी एक ही है ना भाई कि मैं हजूर का जिक्र ही सुनाना है तो हजूर का इश्क ही सुना है, मैंने गल्ला ही हजूर दी आउंदियां ने, मेरे साइयां मैंने आ ही सिखाया है। गिरामी कदर हजरात, मैं तुहानू इश्क रसूल का दीवा बालन की जात सिखानी बस कि आ जिहड़ा दिल का दीवा है ना इहदे विच तेल भी है पत्ती भी है दीवा भी तुहाडे कोल है, मैं इश्क दी तीली लगानी बस अपने ते दूसरे दे गोडे छोड़ो ना, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो, स्टेज वाले इन्हां कोल सही नहीं बोलिया जा रहा, तुसी वाला सारे सुभान अल्लाह बोल के विखाओ भाई, ये माशाल्लाह होर तुसी भी उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैं हुण हाथ चुके दुआ करना, तुसी भी हाथ चुके सुभान अल्लाह कहो तो तुसी आमीन कहो। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाए अगला रमजान शरीफ अपनी अम्मी नाल मदीने गुजार के आवे, हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले इस साल पूरा टब्बर हज करके आवे। या अल्लाह सने स्टेज वाले जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवे ते खा विच कमली वाला आप आ जावे, तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जागदे महफिल च सोने दा दीदार करा दे।
बस हुन कम इथे रखा जे भाई अल्लाह ने रिजा फरमाया फआमतिर अलैना हिजारत मिन السماء अब इतना बिअज़ाब अलीम वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम वअंत फीहिम परवरदिगार ने फरमा कमली वालिया एदिया करतूता दे जदिया ने एदे ते मैं अज़ाब अलीम नाज़िल कर देवा एदे ते मैं पत्थरों दी बारिश कर देवा परवरदिगार ने इरशाद फरमाया वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम वअंत फीहिम परवरदिगार ने फरमाया माज़ा देना ना वालिया जे एदे पत्थरों दी बारिश कर देवा एदे ते अज़ाब नाज़िल कर देवा पर कमली वाल किवें कर देवा बस दू मके तेरे होंद पत्थर की बारिश आ जाए सोने तेरी रामा की चादर से दाग लग जाना है अल्लाह ने फरमा कमली वाली करतूत मैं शक्ल बदल के रख देवा ए मैं पत्थर की बारिश भी कर देवा पर कार ने फरमा किवें कर देवा सुने बस दू ए वल वेखा के तेरे वल वेखो ने परमा सोनिया ए वल वेखा के तेरे वल वेखा मेरी मिलत नौजवान सियालकोट दे रहने वाले खुदबो जवाब आने वाले हो पिछले नबी अपनी उम्मत दे बिच वसदे ने नबिया ने बुद्ध पदुआ की अदाब नादले हो गए हजरत साले अले सलाम अपनी कौम च वसदे ने अदाब आ गया हजरत हूद अले सलाम अपनी कौम च वसदे ने अदाब आ जाते ने हजरत साले अले सलाम दे आप दी कौम ते अदाब आ गया हजरत मूसा दे होंदिया कौम ते अदाब आ गया नबी आंदे रे अदाब आंदे रे इको जुमले च सारी तकरीर कर देवा नबी आंदे रे अदाब टल दे नहीं कमली वाले तेरे आउण तो सदके जावा तू आके कब्र च भी टुर गया है अदाब आंदे ही नारे तकबीर नारा रिसालत नारा तहकी नारा हैदरी उच्चा जा सुभान अल्लाह फरमाओ भाई साहब हाथ नहीं चुके तू भाई नाल दे भी ते अपना भी मैनू पता लगे मैं नबी पाक दे जूंदे जाग दे नौकरा च बैठा बट साहब ने समाफल वास्ते पूरा साल मेहनत की अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह ऊंचा बोलो सारे भाई जिंदाबाद मेहनत की मेरे नाल मैनू पता कि सारा साल किस तरह समाफल मेहनत कर दे और लंगर भी इन्हें माशाल्लाह मैनू दस्या कि बेशुमार सारा बनाया ते बेशुमार खिलाया ते जिदा खाइए तुसी बोले ही नहीं भाई जिदा खाइए ओदा गाइए यदि अम्मी दस के भेजा तू ते पलिया ही कमली वाले दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह अल्लाह ने फरमा सोनिया कि मैं अदाब भेज देवा बस तू अवें ते तेरे होंदे अदाब आ जाए अल्लाह फरमा सोनिया ना ना पता लग्या मेरे नबी दा वजूद अधर ऐसा बाबरकत है कि जमीन ते आया अल्लाह फरमा हुन मैं अदाब नहीं भेजने हुन नहीं अदाब भेजने अक्सर गल सुनाना मलका शेख अवान साहेब पट्टी साहेब पैजी शान साहेब अल्लामा साहेब किबला अल्लाह ने यहूदियों को फरमाया कि तुसा हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नियाँ छुट्टी करनी है क्योंकि मछलियां पकड़ते सन ए तुसा कल जुमा देखिया नवे कपड़े पाए धुले हुए साफ किए सुबह सुबह जुमे की तैयारी करके तुसी जुमा पढ़ने वास्ते गए बाद विच काम करने वास्ते गए क्यों क्योंकि माँ ने बचपन तो सिखाया पुत्र जुमे के दिन का अदब करना है मुसलमाना की ईद का दिन है जुमा इंज हफ्ता यहूदियों का दिन है इतवार ईसाइया का दिन है मेरी मिल्लत नौजवानों अल्लाह ने यहू
यहूदियों ने फरमाया मछलियां नहीं पकड़नियां, छुट्टी करो, हफ्ते दे दिन का अदब करो। उधर मछलियों ने हुक्म दिता कि तुसा दरिया च जाना भी हफ्ते वाले दिन है। जो यहूदी दरिया से गए तो इतनिया मछलियां पानी च मुंह कढ़ के दिखादियां, तो मछेरिया के दिल डोलते हैं। उन्होंने ख्याल आया कि इनिया मछलियां तो पकड़नियां भी नहीं। उन्होंने अपने बुजुर्गों ने पूछा कि मशुरा दो। बुजुर्ग मशुरा दिता कि दरिया च छोटिया छोटिया नालियां बना के अपने घर तक ले आओ, अपने घर च टैंकियां बना लो, हाउस बना लो। जमीन के अंदर मछलियां दरिया च नालियां के जरिए घर तक आवन गियाँ, हाउस भर जावे, टैंकियां भर जावनगियाँ। तो इतवार को पकड़ लिया जे बे ही इस तरह होया कि दरिया में मछलियां उन्होंने नालिया के जरिए उन्होंने वेड़िया तक आ गई, उन्होंने घर भर गए, हाउस भर गए, टैंकियां मछलियां ने भर गई। यहूदी बड़े राधी कि असा हफ्ते का अदब भी कर लिया, मछलियां कट्ठिया भी कर लिया, इतवार को पकड़ लवेंगे। मगर नौजवानों जो ही इतवार का दिन तुलू होया ना, और जेड़े रब के हुक्म ना मछलियां इधर आई सन, उस रब के हुक्म ना मछलियां वापस लौट गई, टैंकियां खाली हो गई, हाउस खाली हो गए। अल्लाह की कुदरत में जलाल आ गया कि इन्हें मेरी हुक्म अदूली की थी, इन्हें मेरी गल नहीं मानी। अल्लाह ने रिजा फरमा कौनों की राधा सना खासी, परवरदिगार ने फरमा बंदर बन जाओ। यहूदिया दिया शक्लां बिगड़ गई, उन्होंने नौजवान बंदर बन गए, उन्होंने बडेरे खिनजीर बन गए, नौजवान उन्होंने दिया शक्लां बदल गई। कमली वाले दे गुलामो जदू शाम नू कम तू घर आंदे हो, अपने कमरे दे आईने दे सामने अपनियां अखियां बंद करके खलो जाया करो, नाले सोचिया करो ना बचपन च केड़े गुनाह करता रहा, ना जवानी च केड़े गुनाह पिया करना, ना बड़े पे च केड़े गुनाह पिया करना। सारी जिंदगी दे गुनाह याद करके अख खोल के आईना वेख, जे तेरी शक्ल नहीं बदली फिर मुहम्मद मिलाद मनाया कर, क्योंकि रब तेरे मुंह वल नहीं हो पिया वेखदा, इते यार नू यार दा मुंह पिया मारदा। मछलियां पकड़ लिया, रब ने बंदर ते खिनजीर बना दिते। वो केड़ा गुनाह है जेड़ा असी नहीं पे करते, दुध च पानी नहीं पाते। हुण नहीं तुसा बोलना, एक कौम दुध च पानी पाई जा रही, सूद खाधी जा रही, शराबां पीती जा रही, चोरियां कीती जा रही, माज़ल्ला ज़िना कीती जा रही, पर शक्ल नहीं बदलती। क्यों? अल्लाह तेरे वल नहीं पिया वेखदा, वो यार दे मुंह वल पिया वेखदा ही, वो यार दे चेहरे वल वेखदा ही। फरमाया बमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम अंत फीहिम, फरमा सोनिया तू वसदा होवे ते अज़ाब भी आ जावन। ते कमली वालिया ए तो तेरे महबूबा फिर इज्जत की तोहीन है ना, सोनिया अज़ाब ते नहीं आने। मेरा दिल करदा रंग मैं पीरे बाहू को ना पेश करा के देवा, बे मुर्शदा चुप रवे ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले अपनी अम्मी नू अम्मी जी ते अबू नू अबू जी कह के बुलावे करे, हाथ चौके सने स्टेज वाले जेड़ा इस तो उच्चा बोले मौला पांच वक्त दबा जमात नमाजी हो जावे। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले आज भी फजर दी नमाज बा जमात पढ़े ते आइंदा भी पांच वक्त दबा जमात नमाजी हो जावे। जेड़ा इस तो उच्चा बोले या अल्लाह उन्नी देर नींद ही ना आवे जब तक मुहम्मद या रबी ते दुरूद सलाम ना पढ़ लिया करे। आरिफान दे सुल्तान ने एदे ते रंग पेश फरमाया, आप इरशाद फरमा देने पे बिस्मिल्लाह इसमे अल्लाह दा सरवर आलम छोट सी आलम सारा वो हद बे हद दुरूद नबी ते जेदाए होए दे पसारा जिन्ना मिलिया नबी सुहारा।
लाली तू सदके जावा। लो जी मलक साहब कहते ने दोबारा पढ़ो, दोबारा मैं पढ़ देना पर जो तुसी दोबारा सुभान अल्लाह आखो। जेड़े बेली हाथ नहीं ना उठा रहे, मैं पता है कि मस्त हो गए ने, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं पता मस्त हो गए हो, पर शेख साधी फरमा देने ऊंट मस्ती आवे तो एक मन की बजाय दो मन पार चुक दे। इश्क रसूल की मस्ती जी बोली जाओ सुभान अल्लाह। मैं अक्सर तकरीर च कहना क्यों मैं तकरीर कर रहा सा तो मैं क्या जिन्हें जिन्हें जन्नत जाना हाथ खड़ा कर लो, वो सारे इज्तिमा ने हाथ खड़े कर ले। मेरे सामने एक नौजवान तो उन्हें हाथ ना खड़ा किया, मैं क्या भाई तू जन्नत नहीं जाना, वो कह लगा आसी साहब अम्मी ने आख्या पुत्र माफा तू सीधा घर ही आवे, तो वो कई बेली इस तो भी हाथ नहीं खड़े कर दे कि मैं किधर सीधा ही जन्नत चना चला जा, तो बदी नो सत्ते ही खैर होंगे ने हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह। मैं दोबारा पढ़ा मर सकता अरबंद सुल्तान ने फरमाया आप फरमा देने पे बिस्मिल्लाह इसमें अल्लाह दा आलम छोट सी आलम सारा ओ नबी करीम से अपनी कबर च लेटे ने पर ना मशरिक च अज़ाब आ रहा है ना मगरिब च आ रहा ना शमाल च आ रहा ना जनूब च अज़ाब आ रहा नौजवानों एक कमली वाले दे वजूद पीछे पूरी कायनात अज़ाब नहीं आ रहा पता लगया तेरे मेरे लाड रब पिया वेखद नौजवानों आसान करके अर्ज करा एक लाड़े पीछे सारी जंग दे नखरे वेखी देने एक लाड़े पीछे सारी बरात दे नखरे वेखी देने बलो जगवाल मेरी गल समझी आज एक लाड़े पीछे सारी जंग दे नखरे वेखी देने अल्लाह भी तेरे मेरे नखरे एक माही पीछे वेखी जा रहे आओ ना मशरिक च अज़ाब आ रहे ना मगरिब च अज़ाब आ रहे ना शमा ते जनूब च अज़ाब आ रहे मैनू सची दस आज ये जड़े नबी दे सहाबा दियां बेअदबियां कर देने वो जलिया एक यार दे वजूद पीछे पूरी कायनात च अज़ाब नहीं आते ओ उमर दे अबू बकर जेड़े मुहम्मद नाल लेते ने उन्हां ते किवें अज़ाब आ सकदे नारे तकबीर हाथ उठा नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी ताजदारे चूरा शरी हु अल्लाह 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 हु शफात सरवरे आलम छोट सी आलम सारा वो मैं कुर्बान किना थी बाहों जिन्ना मिलिया नबी सुहारा हो अल्लाह हो अल्लाह हु 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 अल्लाह आमीन आमीन। तेरे वजूद दी बरकत तो सदके जावा एक यार पीछे ओए एक लाड़े पीछे सारी जंज दे नखरे वेखी देने एक शबे असरा दे लाड़े पीछे
रब तेरे मेरे नखरे वेखी जा रहे असी गुनाह भी करी जा रहे और साड़ियां शकलां नहीं बदलदा एक लाड़े पीछे एक लाड़े पिछे रब साड़ियां शकलां नहीं बदलदा क्यों ओ तेरे मेरे बल ते नहीं पिया वेखदा ओनू ते यार दा लाड़े ओनू ते यार दा वजूद एडा प्यारा लगदा है आखदा सुनिया बसदा तू होवे इना विच ते अजाब भी आ जावन ते सुनिया तेरी रहमत दी चादर ते दाग लग जाना है ए यहूदी अपनी इबादत गाह च जाके इबादत करदे ने ईसाई गिरजा घर विच जाके इबादत करदे ने कदे किसे यहूदी नू इबादत करता वेख्या जे बार ईसाई पाकिस्तान चितने वसदे ने कदे किसे ईसाई नू अपने गिरजा घर तो बाहर इबादत करता वेख्या जे बोलो नहीं ना क्यों पाबंद ने यहूदी अपने मां-बाप दे इबादत खाने च इबादत कर सकदा है ते ईसाई अपने गिरजा घर दे अंदर इबादत कर सकदा है पर वाह मुसलमान तेरी अजमत तो सदके कमली वाले ने ए पैर जमीन ते रखिया ते मेरे नबी ने फरमाया रब ने मुहम्मद दे सदके सारी जमीन मस्जिद बना देता फरमाया जिथे नमाज दा वेला आ जाए मुसल्ला बिछा ते अल्लाह अकबर करके पढ़ सारी जमीन ही पाक हो गई है क्योंकि वजूद मुहम्मद दा लग गया वजूद मुहम्मद आ गया ना फरमाया सारी जमीन पाक हो गई क्योंकि वजूद मेरे यार दा आ गया हुन मुस्तफा दा वजूद पता लग गया वजूद मुहम्मद दी बरकत ही आ जड़ा तेरी मेरी शक्ल नहीं ना बदलदी आ जड़ा साडे ते अजाब नाज़िल नहीं ना होंदे अल्लाह ने पूरी पूरी कौम नु तबाह कर देता आंधी ते तूफान दे अजाब आए नौजवानों लोग उड़ उड़ के पहाड़ा ना टकरा के टुकड़े टुकड़े हो गए पर असी सारे गुनाह भी कीते ते अजाब नहीं आए एक यार पिछे एक लाड़े पिछे गल सुनावा अल्लाह दे नबी यूनुस अलैहि सलाम मछली दे पेट च 40 दिन रहे किन्ने सारे बोलो किन्ने 40 दिन रहे ऐ किसे नु मछली खा जाए ते ओ मछली दे पेट च 40 दिन जिंदा रह सकदा है नहीं ना शेर खा जाए बंदे नु ओ पेट च जिंदा नहीं रह सकदा दरिंदा खा जाए ते जिंदा बंदा नहीं रह सकदा पर यूनुस अलैहि सलाम 40 दिन मछली दे पेट च रहे कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमाया अल्लाह लबे तफी बतनी ही फरमाया ओ जदों मछली दे पेट च गए ना ते अल्लाह फरमांदा जब तक मेरी तस्बीह ना पढ़ दे मैं ते बाहर नहीं से निकलना पावे कयामत आ जांदी उन्हें मछली दे पेट च पढ़िया ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन ते मछली ने बाहर निकाल दिता अच्छा किन्ने दिन रहे सन 40 दिन उज़ैर अलैहि सलाम अल्लाह दे नबी 100 साल तक जमीन ते लेटे ते सो गए किन्ने सारे बोलो किन्ने 100 साल जमीन ते लेटे रहे ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਸ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਗਵਾਹ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁੱਤਾ ਬਸ 100 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਵਜੂਦ ਠੀਕ अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आ मेरे वल वेखो ए इस तरह करके ना टेक लगा के खड़े टेक लगा के ना लकड़ी दे नाल अपनी खुंडी दे नाल अपने असा दे नाल इस तरह करके टेक लगा के खड़े इस तरह सामने जिन्नात नु हुक्म फरमाया चलो मस्जिद अक्सा बनाओ ओ मस्जिद अक्सा बनाए ते नबी ए इस तरह करके खड़े रहे जिन्नात रब दे नबी कोलो डरदे डरदे मजदूरी करदे रहे कम कम करदे रहे करदे रहे करदे रहे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी रूह निकल गई रूह निकल गई आप विसाल फरमा गए मगर इंज ही खड़े रहे पूरा साल इस तरह फौत होने बाद पूरा साल खड़ा रहे ते जिन डरदे ही मजदूरी करी जामन के अल्लाह दे नबी सानू पे वेखदे ने नबी नू साल हो गया फौत होया पर जिन डरदे डरदे कम करी जा रहे 100 साल दे बाद ओ जड़ी खुंडी नाल आपने टेक लगाई सी ओ लकड़ी नू कीड़ा लगा कीड़े ने लकड़ी खादी लकड़ी टुट के जदों डिगे ना ते हजरत सुलेमान अलैहि सलाम जमीन ते तशरीफ लिया ते जिन्हां नू फिर पता लगा इत्थे फौत हो गए ने ये मैं देते तफसील सुनावा ते बड़ी लंबी गल है ओ हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे भाइयां आख्या सी कि यूसुफ ने ते भेड़िया खा गए यकूब अलैहि सलाम ने फरमा बोला उन्हें तेरा भेड़िया नु भेड़िया आया ते आपने फरमाया मेरा यूसुफ खा गया उन्हें आख्या ला जो पाला मैं एडा बेअदब ते ने कि नबी नु खा जावा मैं बल्लो चक वाले तुहानू कहना ये चाहना वा कि रब दे नबी दा वजूद कितना पाकीज़ा है मछली खा लवे
फिर भी बच जाता। जमीन दे उत्ते 100 साल सुत रहे वजूद फिर भी बच जाता है। ओ यार रब दा नबी 101 पूरा साल विसाल तो बाद खड़ा रवे फिर भी वजूद बच जाता है। ते भेड़िए ने दसिया के रब दे नबी नु ते भेड़िया भी नहीं खा सकदा। मैनू सच्ची दसिया जे ओ जेड़ा भेड़िए कोलो नबी नु बचा सकदा है, ओ जेड़ा कीड़े कोलो नबी नु बचा सकदा है, ओ जेड़ा जमीन कोलो नबी नु बचा सकदा है, जेड़ा मछली दे पेट च नबी नु बचा सकदा है, ते उथे जिंदा रख सकदा है। ओ कमली वाले नु गुंबद खिदरा ते कब्र च जिंदा नहीं रख सकदा। आखरी गल सुना के फिर इजाजत चाहवा कौन है बाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो अज यहूदियां ने पूरी दुनिया नु वक्त पाके रखे। यहूदी इन्होंने साजिश की थी कि किस तरीके नबी पाक की कब्रे अनवर चो हजूर के वजूद को निकालिए, नबी करीम का वजूद अधर मुल्क शाम ले जाइए, फिर बाद मुसलमानों को कहेंगे जो तुहाड़ा नबी है तो जिंदा है तो अपने नबी की कब्र खोद के विखाओ तुहाड़ा नबी कित्थे वे। इस साजिश के तहत उन्होंने दो बंद की ड्यूटी लगाई, उन्होंने दाड़ी रखी, इमामत खिताबत अपने कुरान मजीद पढ़ना सीखा, मस्जिद नबी के करीब आके ना जन्नत अल बकी के करीब उन्होंने डेरे लगा ले। तवज्जो ना सुनिया जो इमाम समूदी ने लिखा खुलासतुल वफा के अंदर, उन्होंने की करना कि रात को उन्होंने कबर खोदनी, उन्होंने जमीन खोदनी, गार बना रहे नबी पाक की कबर तक जावन वास्ते। वो मिट्टी सारी रात जी इकट्ठी कर देने उन्होंने जन्नतुल बकी च फैला देते हैं, सारा दिन इबादत करते हैं, लोगों को खाना खिलाते, लोगों को पानी पिलाते, खिदमत करते। मदीने च मशहूर हो गया कि आओ जन्नत अल बकी दे कोल को दो दरवेश आए ने, सारे मदीने वाले दे नाल बड़ा प्यार करते ते खिदमत करते हैं। गिरामी कदर हजरात उधर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रात को लेटिया, ओ नूरुद्दीन जंगी है जिहड़ा हर रात 10,000 मरतबा नबी पाक दे दुरूद शरीफ पढ़ता सी। नौजवानों किस्मत जाग गई, हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दे ख्वाब च नबी करीम आ गए। मेरे आका ने अपने दंदा दे नीचे अपनी उंगली मुबारक लई है। कमली वाले बड़े परेशान ने, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अर्ज की थी कमली वाले बड़ी मेहरबानी की थी लाजपाला मेरे ख्वाब च तशरीफ लेके आयो। मेरे आका ने दो बंदे दिखा के फरमाया नूरुद्दीन जंगी अतो मैं तेरे नबी नो परेशान पे कर दे। नूरुद्दीन जंगी दिया चीखा निकल गई, उठ के सारा दिन तलाश करते रहे। नौजवानों कोई ख्वाब दी तबीर दा इलम ना होया। अगली रात दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते लेट गए, कौन है दे वाली ख्वाब दे अंदर आ गए। मेरे आका बड़े परेशान ने, पूछया कमली वाले क्यों परेशान हो। मेरे आका ने वही दो इंसान बखा के फरमाया नूरुद्दीन जंगी आ दो बंदे तेरे नबी नु परेशान पे कर दे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दी अग खुल गई, सारा दिन सोचते रहे कमली वाले नु कौन परेशान कर सकदा। इस ख्वाब दी तबीर की है, नौजवानों जदू तीसरी रात आई सुल्तान जड़े वेले दुरू शरीफ पढ़दिया सो गए। नौजवानों ख्वाब च कमली वाले आए, नबी करीम ने डांट के फरमाया नूरुद्दीन जल्दी कर आ तो बंदे तेरे यार तेरे नबी नु परेशान पे कर देने। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दी अग खुल गई, बड़ी देर बैठ के रोंदे रे कमली बाबिया कौन जेड़ा मेरे महीन परेशान पे कर दाए। नौजवानों अग खुल गई, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पूरे मुल्क च ऐलान कर दिता जिन्हें जिन्हें मदीना जाना तैयारी कर लो, मैं मदीना तैयबा जा रहा हूँ। जितना खजाना मुल्क दाए सारा इकट्ठा करके नाल ले ले आओ, अपनी सारी फौज नाल ले ले, पूरा मुल्क नाल ले आओ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना तैयबा वाले आ रहा हो, नाले रोंदा आंदा है, नाले अर्दा करदा है, अर्दा करदा आ रहा हो, कहंदा है जांदी है ते जान ए मेरी।
ਐ ਬਾਰੀ ਤਰ ਜਾਵੇ ਸਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਬਲ ਸਜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਤਦੀ ਬਾਨਾ ਆਵੇ ਸੁਲਤਾਨੁਰਦੀਨ ਜ਼ੰਗੀ ਨੇ सबर सोलह दिन के अंदर तय किया ना दिन आराम कर दे ना रात आराम कर दे इक्कीस दिन का सबर सोलह दिन च तय कर लिया केड़े वेले सुल्तान मदीना तैयबा पहुंचया सारे मदीने वाले ने इस्तकबाल किया आलम इस्लाम का इतना बड़ा लीडर मदीना तैयबा आया उन्हें सारे से पहले सरकार की बार के सलाम अर्ज किया उन्हें मदीने के गवर्नर ने बुलाया बुला के कह लगा जल्दी कर सारे मदीने वाले की दावत कर ले मैं सारे मदीने वाले नो इनाम देना चाहना नौजवानों सुल्तान का ख्याल वे जदू सारे आने गए वो दो बंदे भी आने गए उन्होंने पहचान के पूछांगा क्यों मेरे यार नो बेतंग कर दे नौजवानों सारे मदीने वाले आ गए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक एक दे सामने आप खाना रखे आओ सारे नो इनाम दीते नौजवान सारे आ गए सारे चले गए वो दो बंदे नहीं आए गवर्नर ने बुला के पूछा कोई रहते नहीं गया उन्हें आके सारे मदीने वाले आए ने पर दो लोग रह गए ने पूछा कौन ने कह लगा मदीने दे रहने वाले नहीं किधरे परदेसा च भी आए ने बड़े अल्लाह वाले ने बड़े दरवेश ने उन्हें दाड़ियां भी रखिया ने नबी दे दरूद भी पढ़ देने वो बड़ा अल्लाह अल्लाह कर देने नचते नबी दे करीब जन्नत अल बकीज रहंदे ने सारा दिन लोगों दी खिदमत कर देने रात अल्लाह अल्लाह कर देने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वो फरमाया उन्होंने बुला के ले आओ जेड़े वेले दोनों आए सुल्तान पहचान गया कि ओ ही ने जेड़े कमली वाले बखा के फरमाया ये मैंने तंग पे कर देने उन्हों दिया गर्दना ते तलवार रखी फरमाया दसो जालमो कौन उन्हें आख्या असी यहूदियां असा यहूदियां साजिश कीती है नबी करीम दा वजूद कपड़े अनवर जो कढ के लै जाने नौजवानों सुल्तान ने अपने हत्थां दी तलवार दे नाल उन्हां दीआं गर्दनां खलम कर दित्तियां जिहड़े वेले आ के उन्हां दे खेमिआं नूं फोलिआ गिआ सारे मदीने वाले फिर रोंदे ने उन्हां ने वेख्या जिहड़े वेले मुसल्ला उठा के देख्या उहदे नीचे गार है उह गार नबी पाक दी कबर दे करीब पहुंच गई है नौजवानों सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी रोन लगे पे सारे मदीने वाले रोन लगे पे कमली वालिया कौन जेड़ा तेनों दुखी कर सकदे ऐ खुदा दी खुदाई दे महबूबा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी फौज नो हुक्म दिता नबी पाक दी कब्र अनवर दे इर्द गिर्द एक गार खोद लो नौजवान एक खंदक दीती गई उन्हें शीशा पिघला के उस सारी खंदक दे अंदर डाल दिता नौजवान जड़े वेले दीवारा मजबूत हो गई सुल्तान कमली वाले दे गुंबद खिदरा दे सामने खलो गया सारे मदीने वाले भी आ गए फौज भी आ गई ते रोके कहन लगा कमली वाले सुनया बड़े बादशाह ने पर तेरी करुणा वादी है अपने रोदे ते वजूद दी खिदमत वास्ते मैनू पसंद कीता अर्ज करदा कमली वालिया तेरी मेहरबानी है लै सोनिया मैं तेरे वजूद दी हिफाजत कर चलिया हुन कयामत आ जाएगी कयामत दा कोई तेनों परेशान नहीं करेगा कमली वाले मैं इंज दी दीवार कबरे अनबर दे इर्द गिर्द बना चलिया कयामत दा कोई कमली वाले दी कबर तक न जा सकेगा नौजवान सारे मदीने वाले रोंदे रह गए सुल्तान जड़े वेले मदीने च टुरे आओ मुड़ के नबी पाक दे गुंबद खिदरा वल वेखदा है नाले कहंदा है सदा वसदा रवे तेरा दबारा आया रसूल अल्लाह हुन इंज नहीं भाई सारे हाथ खड़े कर लो
सारे खड़े कर लो, अखियां बंद कर लो, गुंबद खिदरा दा तसव्वुर कर लो, सारे मिलके पड़े आ जाए। सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दबारा या। खड़े खड़े ते तुसी हो ही गए हो, हुण हाथ खड़े करो ते गर्दना नेवियां कर लो, गर्दना नेवियां कर, सारे 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 स्टेज वाले अखियां बंद कर लो, गुंबद खिदरा दा तसव्वुर करो, सारे करो, गुंबद खिदरा नूं अखां दे सामने लियाओ, हाथ इस तरह नहीं, इस तरह जिवें दुआ मंगदी इस तरह खड़े करो, सारे अखियां बंद करो, जिन्नी आबाद है ना नबी पाक दे गुंबद खिदरा वल ध्यान करके सारे हुण मिलके मेरे नाल पढ़िए। सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वफादार रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वफादार रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वफादार रवे दबारा या रसूल अल्लाह। जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह। जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह, अली अब्बास भट्टी साहिब आए ने, मेरे को हर महफिल च एक फरमायश जरूर करते हैं कि आ सुनायो, मेरा दिल करता असी खाली ना जाइए, रात तो गुजर गई, कुछ ना कुछ लै जाइए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आवाज भी नहीं मारी तो हजूर आ गए, मैं सची दस जे आवाज मारी तो सोना नहीं आएगा, किदा किदा दिल करता कि मैं अज जावा तो मैं हजूर के दीदार नसीब हो जाए, किदा दिल करता, सारे का करता, सारे हाथ खड़े करो, दोवें दोवें हाथ खड़े करो, मिलके सारे पढ़िए। याद तेरी दा मदीवा वाले आओ, याद तेरी दा मदीवा वाले आओ, न आवी जा पल्ले लुजुल्फा वाले आओ,
कमली बाल साडा कमसी महफल सजा देना साडा कमसी बैनर लगा देना साडा कमसी लाइटा लगा देना साडा कमसी मेहमान बुला लेना साडा कमसी कमली वाले तेरे बुए ते आ जाना हम कमली बाल करम नवाजी फरमा दे असी यही अर्ज कर रहे हैं कि आज तेरी याद तेरी दाम दीवा बालिया आवी जा बल्ले वाले आओ कमली बालिया कलमा पढ़ा भरम रह जाए हुन आवी जा बल्ले जुल्फा वाले आओ ए जुल्फा वाले आई जा बल्ले जुल्फा वाले आओ आवी आवी ना चिल्लावी जान तेरे तो बारी सारी आई जाओ बल्ले जुल्फा वाले आओ आमी आमी ना चिरलावी ना चिरलावी जान तेरे तो बारी तो जान ईमान दिले तुझ बिन मैं शिकारी आवी जा बल्ले जुल्फा वाले आओ ए जुल्फा वाले सारी जिंदगी तेरिया नाता पढ़दिया गुजर गई है कमली वाले आखरी वेले आ जाए साडिया नाता पढ़न का भरम रह जाए लोग आखन ना सारी जिंदगी नबी नबी करता रहा है आखरी वेले नबी आए भी नहीं रो रो के आखो अपने आवी जा बल्ले जुल्फा वाले आओ कमली वाले आ बिलाल वर्गा नहीं उदीक भी उवैस वाली नहीं पर जे कदे आ जाए तेरा जानता कुछ नहीं साडा कम बन जाता आवी जा बल्ले जुल्फा वाले आओ सह सह बाब चढ़ी कोठे ते मैं उतरी सह सह बाब हुन ते आ जाओ कमली वाले आओ उंज ते आते मैं हारी आवी जा बल्ले जुल्फा वाले आओ ए जुल्फा वाले उन आवी जा बल्ले जुल्फा वाले आओ रात भी मुक गई महफल भी मुक गई उन आत जा बल्ले जुल्फा वाले आओ ए जुल्फा वालिया आवी जा बल्ले जुल्फा वाले आओ हतम बात जुदाई गुजरी यार नहीं मुख विखाया मौला मेरा यार मिलन दाओ अजे वेला क्यों नहीं आया आवी जा बल्ले जुल्फा वाले आओ
अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए, इस महफल नु कबूल फरमा के अल्लाह साडे सारे वास्ते जरिया नजात बनाए। आमीन व आखिर दवाइया।